हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 6 अक्टूबर 2018 की प्रीलिम्स एडिटर सीरीज़ में आपका स्वागत है। हमारी आज की डिस्कशन का जो पहला आर्टिकल आया है वो बेसिकली आया है नाफ्टा से रिलेटेड। नाफ्टा यानी कि नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। कंटेक्स्ट को देखो, हम बाद में डिस्कस करेंगे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है नाफ्टा, क्योंकि यूपीएससी जो इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं, चाहे वो इंडिया से रिलेटेड हो या नहीं हो, उनके बारे में भी कई बार चीज़ें पूछ लेती है और नाफ्टा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब क्या है कि नॉर्थ अमेरिका ने कंट्रीज ने कुछ कंट्रियों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो साइन किया है। बेसिकली बात करें हम 1988 के टाइम पे, देखो यूएस है, उसने सोचा कि यार जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन है वो आपस में एक साथ मिलके, मतलब यूरोपियन कंट्रीज के जो भी सदस्य हैं वो सब एक साथ मिलके यूरोपियन यूनियन बनाई थी उन्होंने, उसी तरह पे क्यों ना हम भी, हमारी इकोनॉमी है उसको एक साथ लेके आए। और यूएसए ने भी नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको अपनाया, जिसमें बेसिकली तीन कंट्रीज आती हैं, कनाडा, मेक्सिको और यूएस। इसका मतलब सीधा ये रखा गया था कि नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, इसके जो भी कंट्री हैं, बेसिकली मैन जो तीन कंट्रीज़ हैं, इनके बीच में इकोनॉमिक ट्रेड्स वगैरह जो भी बैरियर वगैरह हैं उनको दूर किए जा सकें, मतलब ट्रेड है उसमें कोई बाधा नहीं होना चाहिए, ट्रेड है वो ईजिली हो सके, इसके लिए बेसिकली नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो लाया गया था। तो एक तरीके से एक सिंगल मार्केट है उसको बनाने के लिए, आप बोल सकते हैं कि सिंगल मार्केट क्रिएट करने के लिए नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो आया था। अब देखो, बात यह है कि अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्या है। देखो, अभी रिसेंटली है न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि नॉर्थ अमेरिका जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि नाफ्टा है, इसमें तीन कंट्रीज़ कनाडा, मेक्सिको और यूएस हैं। इन तीनों की इकोनॉमी उसमें डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। यूएसए की इकोनॉमी काफ़ी बहुत बड़ी लार्ज है, मेक्सिको की इकोनॉमी काफ़ी छोटी है और कनाडा की ठीक ठाक है। तो कहीं ना कहीं तीनों के बीच में ट्रेड बैरियर काफ़ी डिफरेंसेज आ रहे थे, तो उसी चीज़ को लेकर नाफ्टा के अंदर काफ़ी चीज़ टाइम से एक तरीके से नेगोशिएशन वगैरह चल रहे थे। तो अभी रिसेंटली मेक्सिको और कनाडा है, इन्होंने एक्चुअली यूएसए के साथ एग्रीमेंट साइन किया है, जिसे बेसिकली नाफ्टा 2.0 के नाम से भी जाना जा रहा है, या फिर उसका दूसरा नाम है यूएसएमसीए, मतलब कि यूनाइटेड स्टेट्स मेक्सिको कनाडा एग्रीमेंट। तो इसमें क्या हुआ है, इस एग्रीमेंट में ये हुआ है कि कनाडा और मेक्सिको दोनों ने यूएस के साथ कुछ नेगोशिएशंस वगैरह की हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेके। तो वो देखो, सारी डिटेल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि नाफ्टा 2.0 या फिर यूपीएससी पूछ सकती है कि रिसेंटली जैसे कि यूएसएमसीए, यूनाइटेड स्टेट्स मेक्सिको कनाडा एग्रीमेंट वगैरह न्यूज़ में था तो किससे रिलेटेड है, तो हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में पता होनी चाहिए। इसमें देखो कुछ चेंजेस किए गए हैं, जैसे एक तो नई पॉलिसी है लेबर के ऊपर वो ले आई गई है कि लेबर पॉलिसी के नए नॉर्म्स वगैरह हैं उनको फुल डिसाइड किया जाए। इसके साथ ही इन्वायरमेंट के जो स्टैंडर्ड्स वगैरह हैं उनको फोकस किया गया कि नए स्टैंडर्ड्स बनाए जाएँ। वो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, जो बौद्धिक क्षमता वाले जो राइट्स होते हैं, अधिकार होते हैं, उनको भी यहाँ पे प्रिजर्व किया, एक तरीके से संरक्षण की बात है वो की गई है। तो हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो बेसिकली तीन कंट्रीज में है, ताकि एक सिंगल मार्केट है वो क्रिएट किया जा सके। देखो, जैसे यूरोप है, आपको पता है कि यूरोप में बहुत सी कंट्रीज़ हैं, तो अगर सभी कंट्रीज़ अपने अपने अलग अलग अगर रूल बनाएंगी एक दूसरे के लिए, तो उन्हें काफ़ी डिफिकल्टी होगी ट्रेड में। तो उन्होंने मिलकर यूरोपियन यूनियन में एक इकोनॉमिक ग्रुप बनाया, जिसमें ट्रेड वगैरह वो ईजिली होता रहता है, और इसी तर्ज पर यूएसए ने नाफ्टा है वो बनाया था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है IORA के, मतलब कि इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। देखो, IORA इसको काफ़ी नाम से जानते हैं, बेसिकली कई बार इसको इस नाम से भी जानते हैं कि इंडियन ओशियन है उसका एसोसिएशन, या फिर इंडियन रिम ओशियन एसोसिएशन के, मतलब ऐसे नामों से भी जिसे जाना जाता है। अभी कंटेक्स्ट क्या है पहले तो वो देखते हैं। देखो, IORA है, इसकी अभी सेकेंड एक मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी। IORA की ध्यान रखना, IORA मतलब इंडियन ओशन ड्रीम एसोसिएशन है, उसकी सेकंड है वो मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी, और उसमें रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस है वो किया गया था, और उसी में दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन रिन्यूएबल एनर्जी है उसको इंडिया के द्वारा एडॉप्ट है वो इसके तहत किया गया है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रिसेंटली डेली डिक्लेरेशन किस से रिलेटेड है, वहाँ पे ग्रुप आपको दे दिया जाएगा कि IORA, या फिर आपको दे दिया सार्क दे दिया जाएगा, या फिर आसियान दे दिया जाएगा, तो ऐसे अलग अलग नाम देके पूछा जा सकता है। तो हमें ध्यान रखना है कि डेली डिक्लेरेशन है वो रिसेंटली किससे रिलेटेड है, IORA से रिलेटेड है। अब देखो, हम देखते हैं इसकी तरफ कि पहले तो IORA है क्या, फिर हम और चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन है, इसकी हम बात करें यहाँ पे तो बेसिकली इसके अंदर 21 कंट्रीज़ हैं, उन्होंने मिलकर अपना एक ग्रुप है
वो यहाँ पे बना है, और इसमें वो कंट्रीज हैं ज़्यादातर जो कि इंडियन ओशियन मतलब हिंद महासागर के आसपास के एरिया की सारी कंट्रीज़ हैं। ये ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि ओनली एशियन कंट्रीज़ नहीं है, ना ही ओनली देखा जाए तो अफ्रीकन कंट्रीज़। आप देख सकते हो कि इंडियन ओशियन के अंदर एशियन कंट्रीज़ भी आती हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ भी आती हैं, इवन ऑस्ट्रेलिया की कंट्रीज़ भी कुछ इसमें शामिल हैं। तो ऐसे थोड़ा हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। अब बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन है इसका हेडक्वार्टर, ये पहले मॉरिशस में इसका हेडक्वार्टर है, तो ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी है। बेसिकली एक इंटरनेशनल ग्रुप है, 21 कंट्रीज इसके मेंबर हैं, और साथ इसके डायलॉग पार्टनर्स भी हैं जिसमें यूएसए हुआ, चाइना हुआ, और भी कंट्रीज़ वगैरह इसमें शामिल है। थोड़ा ध्यान, सब हमें देखो रटने की जरूरत नहीं है, पर थोड़ा पता होना चाहिए। अब एक अहम क्वेश्चन आता है यहाँ का कि भाई इसे बनाया क्यों गया था कि इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन को। देखो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का मेन मोटो ये था कि इंडियन ओशियन के आसपास की जो भी कंट्रीज़ है ना, इनके अंदर ट्रेड है वो काफ़ी अच्छे से हो सके, एक तरीके से स्मूथ रिलेशंस हो, आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट किया जा सके, इसके साथ ही एक दूसरे के बीच में लॉजिस्टिक सर्विस भी अच्छी होनी चाहिए, बिजनेस और अकेडमिक दायरा है वो भी बढ़ाया जा सके। इन सब के लिए बेसिकली IOR है, उसको एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन या रीजनल एसोसिएशन के तहत है वो बनाया गया था। जैसे इसे अलग नाम भी है इसके, जैसे इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन मतलब IORARC के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इंडियन ओशियन रिम इनिशिएटिव, एंड ऐसे अलग अलग इसके नाम है। तो वो थोड़ा हमें ध्यान में रखना है कि भाई एक ही चीज़ है, बस अलग अलग घुमा फिरा के इसके नाम है वो रखे गए हैं। अब जैसे इसके काम का दायरा क्या है, इसका मेन मोटो देखो उस टाइम पे ये रखा गया था जब इसे बनाया गया था, बेसिकली जब इसे बनाया गया था, हम बात करें इसके बनाने की, तो इसे बनाया गया था 1995 के टाइम पे। उस टाइम पे देखो इसका मेन मोटो ये था कि एक तो सस्टेनेबल ग्रोथ है आपस में कंट्रीज़ के बीच में, उसको मतलब एक तरीके से फिक्स है वो किया जाए, इसके साथ ही डेवलपमेंट है उसको एक बैलेंस अप्रोच के तहत लेके जा सके, और अहम बात इसमें फोकस किया गया था कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन, और इसी के साथ मैक्सिमम जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं डेवलपमेंट की और अपने जो इंटरेस्ट हैं उनको शेयर किया जा सके, म्यूचुअल बेनिफिट को फोकस किया जा सके। मतलब हम ये कहते हैं कि इसका मेन मोटो ये था कि आपस में रिलेशन अच्छे रखें, ट्रेड को बढ़ाया जा सके, और जो भी बेरियर्स इश्यूज़ वगैरह उन सबको दूर किया जा सके। इसके लिए बेसिकली से मेरीटाइम सिक्योरिटी को भी फोकस किया जाता है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को भी यहाँ पे फैसिलिटेट किया जाता है, फिशर्स मैनेजमेंट है जो मछुआरे होते हैं इनके इश्यूज भी, डिजास्टर रिस्क रिड्यूसमेंट पर भी फोकस किया जाता है, अकेडमिक एंड साइंटिफिक कोऑपरेशन पर फोकस किया जाता है, टूरिज्म को भी प्रमोट किया जाता है, और कल्चरल एक्सचेंज भी यहाँ पे किए जाते हैं। तो मतलब इसके बहुत सारे काम है यहाँ पे दे दिए गए, ऐसा UPSC दे दे कि ओनली इकोनॉमिक रिलेशंस वगैरह के लिए नहीं भी, ऐसा कोई सीन है वो नहीं है। अब बात ऐसी है कि देखो इसके 21 कंट्रीज़ मेंबर हैं, तो हमें 21 के 21 रटने की जरूरत नहीं है, बट हमें यह पता होना चाहिए कि चाइना इसका मेंबर है वो बेसिकली नहीं है, चाइना इसका एक डायलॉग पार्टनर है यहाँ पे। जैसे इसके कंट्रीज़ को मेंबर हैं वो है इंडिया हुआ, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बे, केन्या, श्रीलंका, तंजानिया, इसके बांग्लादेश, सिंगापुर, मॉरीशस, मेडागास्कर, UAE, यमन, सेशल्स, सोमालिया, कॉमरोस और ओमान, ये तो बेसिकली ये 21 है वो मेंबर हैं, तो ये थोड़ा हमें ध्यान में रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है बेसिकली वो आया है सहयोग होप TAC 2018। देखो सहयोग होप TAC 2018 है, यह बेसिकली इंडिया और वियतनाम के बीच में कोस्टल गार्ड का एक अभ्यास है, एक एक्सरसाइज है। तो अभी रिसेंटली होस्ट है वो बे ऑफ बंगाल में की गई है, तमिलनाडु जो कोस्ट है वहाँ पे इंडिया के द्वारा, क्योंकि तमिलनाडु का जो चेन्नई वाला कोस्ट एरिया है, बे ऑफ बंगाल वाले एरिया में हिस्से में, वहाँ पे अभी इस एक्सरसाइज को अंजाम है वो दिया गया। तो हमें ये ध्यान रखना है सहयोग होप TAC 2018 एक्सरसाइज है वो बेसिकली इंडिया और वियतनाम के बीच में कोस्ट गार्ड के रिलेशंस को लेके फोकस है वो करती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है ऑपरेशन समुद्रा मैत्री के बारे में, तो इससे हम देख लेते हैं यहाँ पे कि भाई ऑपरेशन समुद्रा मैत्री बेसिकली है क्या। देखो ऑपरेशन समुद्रा मैत्री है ये बेसिकली इंडिया के द्वारा चलाया गया है वियतनाम में, क्योंकि अभी रिसेंटली वियतनाम में सुनामी आई थी, अर्थक्वेक गया था, तो उसके उससे काफ़ी कुछ नुकसान है वो हुआ है, तो उसके लिए इंडिया ने अपनी राहत सामग्री भेजी है और जो सपोर्ट्स है वो बेसिकली प्रोवाइड है वो यहाँ पे करवाया है। तो थोड़ा हमें ध्यान में रखना है कि इंडिया समुद्रा मैत्री एक्सरसाइज है वो कौन सी कंट्रीज़ के बीच में है और क्या है मैत्री एक्सरसाइज वगैरह, ये ऑपरेशन थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। चलो आप ये बताइए, एक तो ऑपरेशन फ्लड के बारे में आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा हिस्ट्री के अंदर, ऑपरेशन फ्लड है वो क्या है ये आपको बताना है। इसके साथ ही ऑपरेशन काफ़ी ऑपरेशन मैत्री चलाया गया था, एक ऑपरेशन मैत्री वो कौन सी कंट्रीज में हुआ था बेसिकली, तो उसके बारे में आपको बताना है। ऑपरेशन फ्लड और ऑपरेशन मैत्री, इन दोनों के बारे में आपको डिटेल्स हैं वो कमेंट बॉक्स में बतानी है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है
NAREDCO यानी कि नेशनल रियल इस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल को लेके। कंटेक्स्ट ये है कि नेशनल रियल इस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल है उसने अभी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के साथ एक MOU साइन किया है जिसका मेन मोटो ये रखा गया है कि लगभग 2.5 लाख यूथ है या 2.5 लाख जो हमारे देश की जनसंख्या है उसको स्किल ट्रेनिंग दी जाएंगी, इसके साथ ही जॉब है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में वो प्रोवाइड है वो की जाएंगी। तो ये बेसिकली कंटेक्स्ट है वो हुआ। अब हम देखो बात ये करते हैं कि इसमें क्या क्या बेनिफिट होने वाला है। देखो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा कि हमारे देश में अगर स्किल दी जा रही है तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, ट्रेनिंग मिलेगी, तो इससे उनके स्किल और उनमें जो नॉलेज है उसका इम्प्रूवमेंट है वो होगा। इसी के साथ एक गवर्नमेंट का एक योजना चलाई गई थी जिसका नाम है दीनदयाल अंत्योदय योजना। दीनदयाल अंत्योदय योजना था इसका मेन मोटो भी ये रखा गया था कि भाई जो रूरल एरिया के अंदर जो लोग रहते हैं अर्बन एरियाज में उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट के दस्त के और वो अपनी आजीविका को ढंग से जिए इसलिए उसके पास रोजगार के साधन हो सकें। तो कहीं ना कहीं रोजगार के साधन होना मतलब उनके पास स्किल होनी चाहिए तभी तो वो कुछ ना कुछ काम कर पाएंगे। और उसी के तहत नेशनल अर्बन लाइवहुड मिशन चलाया गया था और उसके सहयोग से बेसिकली एग्रीमेंट वगैरह MOU साइन है वो किया गया है। तो कंटेक्स्ट थोड़ा हमें ध्यान में रखना है। अब हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं, वो है नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में। देखो नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल है यह बेसिकली एक ऑटोनोमस सेल्फ रेगुलेशन बॉडी है जिसको 1998 में बनाया है वो गया है। बेसिकली इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में। काम क्या है इसका वो देखते हैं। इसका काम है वो है हमारे देश में रियल एस्टेट सेक्टर को यह रेगुलेट है वो करती है, मतलब रियल एस्टेट सेक्टर की एक अपेक्स नेशनल लेवल की बॉडी है जो कि रियल एस्टेट सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी को बरकरार रखती है और गवर्नमेंट का कोई भी रियल एस्टेट में कहीं भी इन्वेस्टमेंट वगैरह है तो उसके लिए बेसिकली डील करती है और रियल एस्टेट सेक्टर में कौन से रिफॉर्म्स वगैरह लाने वो सारी गाइडलाइन पॉलिसी वगैरह इसके द्वारा डिसाइड है वो की जाती हैं। तो मतलब रियल एस्टेट सेक्टर की हमारे देश में सबसे बड़ी बॉडी है वह है नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। तो ये थोड़ा हमें ध्यान में फैक्ट रखने हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वह है माराकाश टीटी के बारे में। आजकल 2-3 दिन से है न्यूज़पेपर में काफ़ी आ रहा है तो इसे थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। कंटेक्स्ट देखो बेसिकली है क्या इसका, पहले वो देखते हैं। कंटेक्स्ट इसका रिसेंटली है कि यूरोपियन यूनियन है उसने अभी माराकाश टीटी को साइन है वो किया है और उसे रेक्टिफाई है वो कर दिया है। अब हम ये जानते हैं कि भाई माराकाश टीटी है क्या, पहले तो वो तो हम समझें फिर हमें कंटेक्स्ट समझ में आएगा। देखो माराकाश टीटी है वो बेसिकली इसलिए साइन की गई थी है ट्रीटी मेंबर कंट्रीज़ के बीच में कि अगर भाई जैसे कि हमारे कोई भी कंट्री में ब्लाइंड पर्सन हैं और अगर उन्होंने इस ट्रीटी को साइन कर लिया तो भाई जो भी डिसेबल्ड पर्सन हैं या आप बोल सकते हो कि अंधे हैं अगर उनको बुक इसके वगैरह की स्टडी करनी है तो उनको बुक कहाँ से मिलेगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि उनके लिए बुक सब जगह तैयार रहती हैं। तो कहीं ना कहीं जो भी बुक्स होती हैं मतलब कोई भी बुक हो उस बुक को ब्रेनली या ब्रेन लिपि में कन्वर्ट किया जाए, ई टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाए और ऑडियो फॉर्म में कन्वर्ट है वो किया जा सके, इसके लिए माराकाश टीटी है वो आई थी। और हम जानते हैं कि देखो कोई भी बुक वगैरह होती है उसकी अगर ई टेक्स्ट मतलब उसकी ऑनलाइन अगर कॉपी बनानी है फिर ऑडियो फॉर्म उसकी बनानी है तो वो एक्चुअली जब तक उसका पब्लिशर्स होता है उसकी अनुमति के बिना नहीं बना सकते, अदरवाइज कॉपीराइट होता है। और उसी कॉपीराइट को अवॉइड करने के लिए माराकाश टीटी साइन की गई थी कि भाई लोगों की भलाई के लिए कॉपीराइट का यहाँ पे रूल है वो अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि जो भी अंधे लोग वगैरह हैं या डिसेबल्ड पर्सन हैं उनको अगर बुक पढ़नी है जैसे कोई ऐसा डिसेबल अंधा है तो उसके लिए ब्रेन लिपि में वो बुक वो कन्वर्ट की जा सकती है किसी के द्वारा, या फिर हम बात करें कि जैसे कोई ऐसा है कि जो सुन सकता है तो उसके लिए ऑडियो फॉर्म में उस बुक को कन्वर्ट हो किया जा सकता है, उसके ऊपर कॉपीराइट वगैरह अप्लाई है वो नहीं होता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। माराकाश टीटी है वो बेसिकली जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं डिसेबल्ड जो पर्सन होते हैं उनको बुक है वो एक्सेस प्रोवाइड करवाने के लिए इसको बनाया गया था ताकि वो अपने अकॉर्डिंग जो भी उनको अच्छा मीडियम है उसके मुताबिक वो बुक को यूज कर सकें, जैसे कि उनको ब्रेन लिपि में बुक चाहिए तो ब्रेन लिपि में उनको बुक मिल सके, इसके साथ ई टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है या फिर ऑडियो फॉर्म में भी। ये ध्यान रखना है कॉपीराइट इसमें अलाउ है वो नहीं होता है, कॉपीराइट वगैरह केस इसमें नहीं लग सकते। और UN ने भी इसको एडोप्ट है वो कर लिया है। देखो UN के आपको पता है कि लगभग 15 स्पेशल एजेंसीज हैं जिसमें एक है WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन, तो इसने भी बेसिकली इसको मान्यता है वो दे दी थी। और सबसे अहम फैक्ट इसका यह है कि सबसे पहले इंडिया ने इसको रेक्टिफाई है वो किया था 2014 में, तो इंडिया पहली कंट्री थी जिसने माराकाश टीटी को रेक्टिफाई है साइन है वो किया था। बेसिकली ये 2013 में आई थी बट 20 कंट्रीज जब तक साइन नहीं करे तब तक ये एक्टिव फॉर्म में नहीं आई थी, तो 2014 में इसको एक्टिव फॉर्म में लाया गया था। तो ये थोड़ा हमें ध्यान में रखना है कि माराकाश टीटी किस रिलेटेड है। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन, अब एक बार थोड़ा हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले देखो आज हमने इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के बारे में जाना कि अभी इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन से इसकी मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्रोथ के ऊपर फोकस है वो किया गया ताकि मेंबर कंट्रीज के बीच में रिलेशंस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो किया जा सके।
इसके साथ फिर हमने नाफ्टा के बारे में जाना, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसमें तीन कंट्रीज हैं, उसका अभी सेकेंड वर्जन आया है नाफ्टा 2.0 या फिर USMCA यानी कि यूनाइटेड स्टेट मेक्सिको कनाडा एग्रीमेंट, उसमें कुछ पुराने इश्यूज वगैरह हैं उनसे निपट के नया एग्रीमेंट है वो साइन किया गया है। इसके साथ हमने सहयोग होप TAC 2018 के बारे में डिस्कस किया जो कि इंडिया और वियतनाम के बीच में कोस्टल गार्ड की एक एक्सरसाइज है जो कि इस बार तमिलनाडु कोस्ट पे मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो कि उसको अंजाम है, उस एक्सरसाइज को कंप्लीट है वो क्या कहता। इसके साथ ही हमने नेशनल रियल इस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में जाना जो कि एक ऑटोनोमस सेल्फ रेगुलेशन बॉडी है, 1998 में बनाई गई थी, रियल इस्टेट सेक्टर को बेसिकली इंडिया में रेगुलेट है वो करती है। फिर हमने माराक्रास TT के बारे में जाना कि माराक्रास TT है वो बेसिकली इंडिया ने सबसे पहले साइन की थी और ये डिफरेंटली जो डिसेबल्ड लोग होते हैं उनको बेसिकली बुक है वो उनकी मतलब माओ या उनके मीडियम के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करवाने के लिए बनाई है, वो गई थी कि भाई इसमें कोई कॉपीराइट वगैरह नहीं लग सकता। तो ये थी हमारी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।